शरीर पर तिल क्यों निकलता है, हमारे शरीर पर जो है तिल क्यों निकलता है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारा शरीर का जो रंग है वो मेलानिन पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी कि हमारे शरीर के त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में मेलानिन हो तो हम काले होंगे, अगर कम मात्रा में मेलानिन हो तो फिर गोरे होंगे। और ये मेलानिन कोशिकाएँ जो है एक जगह एकत्रित होकर तिल का निर्माण करती है। तो यही कारण है कि हमारे शरीर पर तिल निकलता है, मेलानिन कोशिकाएं के कारण। तो यहां पर लिखेंगे लिखेंगे हमारे क्या लिखेंगे हमारे शरीर शरीर के त्वचा त्वचा का रंग मेलानिन मेलानिन पदार्थ पदार्थ पर निर्भर निर्भर करता है। आगे लिखेंगे गोरी गोरी त्वचा त्वचा में कम तथा तथा काली काली त्वचा त्वचा में अधिक अधिक मेलानिन मेलानिन पाया जाता है पाया जाता है। ये मेलानिन मेलानिन कोशिकाएं एक जगह एकत्रित होकर तिल का निर्माण करते हैं। ये तिल ऐसे लिखेगा, ठीक है। तिल हमारे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यही कारण है जो हमारे शरीर पर तिल निकलता है। आप समझ गए हैं, हमारे शरीर के त्वचा का रंग मेलानिन पदार्थ पर निर्भर करता है। हमारा शरीर गोरा होगा या काला, ये मेलानिन पदार्थ पर निर्भर है। और देखिए, गोरी त्वचा में कम तथा काली त्वचा में अधिक मेलानिन पाया जाता है। जिसका शरीर गोरा है उसमें कम मेलानिन, और जिसका शरीर काला है, जिसका त्वचा काला है, उसमें अधिक मेलानिन पाया जाता है। ये मेलानिन कोशिकाएं एक जगह एकत्रित होकर तिल का निर्माण करती हैं, और ये मेलानिन कोशिकाएं जो है ना एक जगह एकत्रित होकर तिल का निर्माण करती हैं। ये तिल हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, और ये तिल जो है हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। और ये मेलानिन के बारे में जानते होंगे आप, मेलानिन जो है सूर्य की परावैगनी किरणों से बचाता है। यानी कि अधिक धूप में रहने वाले हैं, जो व्यक्ति अधिक धूप में रहते हैं उसका शरीर काला होता है, उसमें अधिक मेलानिन होता है, क्योंकि ये सूर्य की जो है परावैगनी किरणों से रक्षा करती है। और गोरी त्वचा जो होता है वो ज़्यादा धूप में नहीं रहते हैं, और वो जो है इसलिए उसमें कम मेलानिन होते हैं, ठीक है।